नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बिल के खिलाफ असम में 11 घंटे का बंद बुलाया गया है, वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन ने 12 घंटे का ये बंद बुलाया। असम में बंद का साफ तौर पर असर दिख रहा है। पहले ही इस बंद का ऐलान सोमवार शाम को कर दिया गया था और मंगलवार सुबह से ही इस बंद का असर साफ तौर पर दिख रहा है। लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं बंद के जरिए। डिब्रूगढ़ में लोगों ने जगह जगह टायर जलाकर अपना रोष व्यक्त किया, तो सोमवार को कई घंटे की बहस के बाद देर रात नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है। इस बिल के समर्थन में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 2 दिन का व्हिप जारी किया है, तो बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों में इस बिल का विरोध जो है वो किया जा रहा है। तो इस बिल के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है, विपक्ष का आरोप है। तो पूर्वोत्तर राज्यों का ये कहना है कि हमें हमारे राज्य में ही अल्पसंख्यक कर दिया जाएगा इस बिल के जरिए, क्योंकि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि असम, अरुणाचल, मणिपुर का रुख करते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में अगर ये बिल आता है तो उनकी पहचान, आजीविका के लिए खतरा हो सकता है। तो गुवाहाटी, अगरतला, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, ये 4 तस्वीरें, तो ऐलान पहले ही कर दिया गया था सोमवार शाम को और सुबह मंगलवार से इस बंद का, इस आह्वान का साफ तौर पर असर दिख रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर टायर जलाकर अपने रोष को व्यक्त किया, तो कहीं नारेबाजी कर सड़कों पर लेट कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। तो इस कोशिशों के चलते सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं कि आखिर इस बिल को लाकर कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाले लोगों के साथ, उनके हितों के साथ गलत हो रहा है। तो यहां पर साफ तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का ये कहना है कि इससे उनकी पहचान और आजीविका को खतरा पड़ेगा। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में गुस्सा है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का ये कहना है कि इस बिल के आ जाने से उनके पहचान को और आजीविका को खतरा है। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं। गुरु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी, कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया, वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। तो जारे सारे जो शरणार्थी आए थे वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू और सिख थे, बहुत जैन पारसी भी थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे। थोड़ा टॉन्ट में कहा कि पीएम कहते हैं कि सरकार का धर्म संविधान है। मैं पूरी गंभीरता के साथ और सदन के अंदर बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा धर्म है और भारत के संविधान के आधार पर। गृह मंत्री जी शायद सही इतिहास नहीं जानते और शायद वो संविधान को भी ध्यान से नहीं पढ़ते। आर्टिकल 5 संविधान का कहता है
कि जो शख्स हिंदुस्तान की टेरिटरी में पैदा हुआ उसको नागरिकता मिलेगी। तो जो भी लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में पैदा हुआ और उसके और वो उनके माँ बाप हिंदुस्तानी हैं तो निश्चित रूप से वो नागरिक है। अच्छा, मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर नहीं तो अहमदिया कौन है, शिया कौन है, म्यांमार से भी हिंदू लोगों को भगाया जाते हैं, वो लोग कौन है? जवाब नहीं दे पाएंगे वो लोग, अमित शाह जी। दूसरी बात, आप बताओ हिंदुस्तान में आज तक कितने शरणार्थी है जो तुम्हारे मदद लेना चाहते हैं, नाम बताओ। थर्ड, असम में ये हिंदू और मुसलमान विदेशी और एदेशी और घुसपैठिया करते हुए 19 लाख लोगों को जो हिंदुस्तान में रह करते थे 19 लाख लोगों को तुम पंजीकरण से हटा दिया, बदले क्या हुआ? एक के बाद एक लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों को हैरानी में देखो, यहाँ पैदा हुए हैं फिर भी उन लोग को अभी नागरिकता नहीं मिल रही है, त्राही त्राही मच चुकी। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कल रात को पास हो गया, बहुमत है और सरकार ने निश्चय कर लिया तो पास हो ही जाना था, लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लेट डाउन है, पार्लियामेंट ने स्वयं उसको स्वीकार किया कि इस तरह से बिल आएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू सदन के सामने आएगा, तब तो पास किया जाएगा। जिस तरह से कल नागरिकता विधेयक संसद में पारित हुआ, अमित शाह जी ने कहा है कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, हमें लगता है जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का रवैया जिस तरह से देश भर में है देश जानता है, जिस तरह से वे इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ बिहेव करते हैं लोग देखते रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं जो उन्होंने कहा है वो करेंगे।